ड्रेसिंग रूम। नमस्कार, आपने लॉगिन किया है क्रिकेट न्यूज। ईडन गार्डन में खेले गए आईपीएल के 49वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान को 6 विकेट से हरा दिया। राजस्थान की 143 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए कोलकाता की टीम ने 4 विकेट खोकर 145 रन बनाए। कोलकाता की ओर से क्रिस लीन ने सर्वाधिक रन बनाए। पारी की शुरुआत करते हुए सुनील नारायण ने टीम को शानदार शुरुआत दी। उन्होंने पहले ओवर की 5 गेंदों में 21 रन ठोक डाले। इसमें 2 छक्के और 2 चौके शामिल थे, लेकिन अगले ही ओवर में दूसरी गेंद पर सुनील कैच आउट हो गए। उसके बाद है रोबिन उथप्पा ने भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए और 6 गेंदों में 4 रन बनाकर चलते बने। सलामी बल्लेबाजों की शानदार शुरुआत के बावजूद राजस्थान की टीम महज 142 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की टीम ने विस्फोट शुरुआत की। जोस बटलर और राहुल त्रिपाठी ने पहले 3 ओवर में मात्र 49 रन बना दिए। शिवम आवी के एक ही ओवर में बटलर ने 4 चौके और 2 छक्के लगाकर 28 रन बटोर लिए। केकेआर को आंद्रे रसेल ने राहुल त्रिपाठी के रूप में पहली सफलता दिलाई। राहुल त्रिपाठी 27 रन बनाकर आउट हुए। राहुल के बाद अजिंक्य राणे भी कुलदीप यादव की गेंद पर बॉल्ड आउट हो गए। राजस्थान को सबसे बड़ा झटका जोस बटलर के रूप में लगा। कुलदीप यादव ने 10वें ओवर में जोस बटलर को 39 रनों पर कैच आउट कराया। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए क्रिकेट न्यूज के साथ।